हेलो स्टूडेंट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग फाइनल स्टेज पे है। एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, क्लोजिंग पे है स्पोर्ट राउंड। कोई कांस्टेंट फॉर्म ईमेल पे मंगवा रहे हैं, फाइनल स्टेज पे एडमिशन है। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है वो जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं सब जगह ऑलमोस्ट क्लासेस स्टार्ट हो गई है। IIT, NIT, IISc, ISER को छोड़ के जितने भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं क्लासेस रनिंग में चल रही है। किसी में 1 महीने से, किसी में 1.5 महीने से, किसी में आधे महीने से, किसी में 10 दिन से। अब बात करते हैं आज फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आई थिंक ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद कोई भी ऐसी काउंसलिंग हो जो कि प्रोवाइड करेगी। ऑलमोस्ट अभी जो एंडिंग में चल रहा है सब कुछ खत्म हो गया, ब्लास्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन बात करते हैं सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम एमटेक देती है, तो उसको छोड़ दो। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन काउंसिलिंग स्टार्ट करती है सबको अपने आप को जाके सब यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर दो। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी ओपन काउंसिलिंग स्टार्ट कर रही है सभी बच्चे उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओपन काउंसलिंग के अंदर अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम जो कि एमटेक प्रोवाइड करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। यार स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है, सीटें भी आ चुकी है, तो स्टाफ फाइनल नोटिस आ गया है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देख सकते हो फाइनल नोटिस क्या आया है कि 25 तारीख को ये नोटिस रिलीज किया गया है। ठीक है, बीवोक एंड एमए एमटेक, ओके, देन जो स्टूडेंट्स हैं वो ये फीस वगैरह सबमिट करके 25 से लेके 28 तारीख तक अपने आप को इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से नोटिस आया है कि जो भी स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया था उनको एक मेल आया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अपना रिज्यूमे सेंड किया उसके बेसिस पे बच्चों को एडमिशन भी मिला। अब फाइनल नोटिस आया कि जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए, ठीक है, वेटिंग लिस्ट के अंदर है, उनका एडमिशन कॉल के बेसिस पे मोबाइल फोन कॉल की डायरेक्टली एडमिशन कन्फर्म किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैकल्टी की डिटेल भी दी गई है। ओके, तो आप इनसे मेल वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग। जो एडमिशन है वो कॉल के बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। तो हरियाणा के जो स्पोर्ट राउंड सेकेंड है वो जल्द से जल्द रिलीज हो सकता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट की कंडीशन आपको दिखाई गई थी पहले भी जो मेरिट लिस्ट रिलीज की गई थी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की आप देख सकते हैं अभी जस्ट एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, और इसका जो नोटिस है इसमें जो है मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, आप यहाँ पे ज्यादा चेक कर सकते हैं, स्पेशल नोटिस नहीं है। ठीक है, पुरानी डिटेल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बुरी बात यह है कि इस बार जो है ये जो चाइनीज वगैरह कोर्स में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। ठीक है, और अभी जो थर्ड अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया 25 तारीख को, पुरानी नोटिस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से। तो जो है केरला की तरफ से आई थिंक फाइनल रैंक लिस्ट आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं UGPG एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी पुरानी नोटिस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। ओके, देन अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की थर्ड मेरिट लिस्ट, या फिर ये बोल रहा है कि लास्ट कट ऑफ जो है रिलीज कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, वैसे 27 को वहाँ रिलीज, 26 को ऐसे लिखा गया है। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की आप देख सकते हैं ऑलरेडी ओपन काउंसलिंग रनिंग में चल रही है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। ठीक है, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान स्टार्ट, वेबसाइट नहीं चल रही है, कुछ इश्यू है, सर्वर इश्यू है। ठीक है, तो जिन बच्चों की कंडीशन चल रही है अपने आप को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर रजिस्टर करें, जरूर 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 ही रजिस्टर करें हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओपन काउंसलिंग के अंदर। जिन बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो हमारे फैकल्टी से कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसके अंदर आपको सिर्फ 51 रुपये का प्रसाद आपको चढ़ाना है। जैसे ही आप प्रसाद चढ़ा देते हैं 51 रुपये का,
तो आपको डायरेक्टली गॉड कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, भगवान से आपका कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रह चुके हैं, ठीक है, तो आप उन बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चार्जेबल है क्योंकि सभी बच्चों से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 51 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं और जो भी फैकल्टी है वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। एक गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, तो उसको फिल कर दे, अपनी डिटेल वगैरह भी फिल कर दे, वो आपको बता देंगे कि आपका किस यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर आपको अब कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे अच्छे वो भी अभी भी एडमिशन स्टार्ट चल रहे हैं। तो आप जस्ट 51 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।